खुदावन यस्सु के जलाली और बारकत नाम में तमाम पी एम आई टी वी देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम और मैं खुदा बाप और खुदावन यस्ु मसीह और रहुल कुदस का शुक्र गुज़ार हूँ जिसके फजल की बदौलत आज हम जिंदा हैं और खुदा का क़लाम सुन रहे हैं और मैं दुआगो हूँ खुदा के ख़ादम पास्टर खालद नाज़ और उनकी सारी मीडिया टीम के लिए खुदा का पाखरू इन सबों की बहुत हिफाजत करे क्योंकि जो पाकरू है वो हमारा ग्रेट हेल्पर है और विदाउट होली स्पिरिट हम कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते इसलिए हमें पाकरू की बड़ी ज़रूरत है कलाम को पढ़ना समझना और उस पर अमल करने के लिए भी हमें खुदा के पाकरू की ज़रूरत है इसलिए मैं खुदा का खादि मतवा पी एम आई टी वी के तमाम लोगों को जो देख रहे हैं उनके लिए भी खुदा के पाकरू की रहनमाई चाहता हूँ क्योंकि पाकरू जो है वो जहनों को खोलता है और फिर कलाम की समझ आती है सो so, मैं तमाम मीडिया टीम के लिए भी और ख़ुदा के ख़ादिम के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ तो मसीह मेरे अजीज़ों जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा ने जो हमारे हाथों में कलाम दिया है ये सच्चा है बरहक है और इसमें बड़ी पावर है इसमें हमत की बातें हैं ये नादान को दानश बख्श देती है और इसी बाइबल के वसीले से ही हमारा ईमान मजबूत और पुख्ता होता है अगर आप अच्छी टेबल टॉक करना चाहते हैं आप चाहते हैं आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो जाए तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर बाइबल मुकदस का मताल करें ताकि ये आपके बातिन की आँखों को रोशन करे और आपके दिमाग को खोले तो मेरे मेरेजीज़ों बाइबल मुकदस की बातें तो हमारे लिए ज़िंदगी भर बड़ा अच्छा पैगाम हमें देती हैं लेकिन इस मुख्तर वक्त में आइए चंद बातें हम बाइबल मुकदस में से सीखेंगे तो अगर आप अपनी नोटबुक या बाइबल लेके बैठना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है आप अपनी बाइबल पकड़ लें तो मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम है वो आपके लिए आपकी फ़ैमिली और आपके रिश्तेदारों के लिए आपके मोहल्ले के लिए और आपके चर्च मेंबरान के लिए बड़ा बरकत का बायस होगा सो so, मेरे अजीज़ों जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह की बातें हैं कि आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे कोई अपनी बीवी की वजह से परेशान होगा कि वो तब्दील नहीं हो रही और कुछ बीवियाँ जो हैं वो अपने शोरों की वजह से परेशान होंगी और कुछ पेरेंट्स बच्चों की वजह से और कुछ बच्चे पेरेंट्स की वजह से ठीक है और कुछ ऐसे खानदान हैं जो अपने कबीले की वजह से भी परेशान हैं बे की वजह से परेशान है कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हमसाए की वजह से परेशान है अपने गली मोहल्ले के लोगों की वजह से परेशान है कुछ ऐसे पासबान हैं जो अपने चर्च मेंबर की वजह से परेशान है जो उनको चर्च में दुख देते हैं मिस मैनेजमेंट करते हैं उनकी वजह से परेशान है तो मेरे जो चंद एक बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जिसकी आप तब्दीली चाह रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इसका जहन बदल जाए इसका देखना बदल जाए इसका सुनना बदल जाए इसका बोलना बदल जाए इसका पहनना बदल जाए जिसका लाइफ स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा और जब लोग तब्दील नहीं होते तो फिर लोग उन पर गुस्सा करते हैं जैसे कुछ मैंने ऐसे माँ बाप देखे जब उनके बच्चे तब्दील नहीं होते तो वो उनको गालियाँ देते हैं वो गालियाँ निकाल कर उनकी तब्दीली चाहते होते हैं लेकिन आइए मेरे साथ बाइबल मुक़दस में से चंद बातें पढ़िए ताकि हमें इल्म हो कि लोगों की तब्दील ना होने की जो वजह है वो क्या है नंबर एक मुक़दस योहन्ना रसूल की मार्फर लिखा गया अंजीली बयान उसका आठवां बाब और उसकी चवालीसवीं आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ लिखा है तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे सारे बोलिए आमी मेरे जीजो ये सुबह का वक्त था जब सी मॉर्निंग वर्शिप में हैकल में जाकर खुदा का कलाम सुना रहा था ये सुबह का वक्त ही था कि जब यसुमसी ने लोगों को तालीम देना शुरू की तो लोग एक औरत को यसुम के पास लाए और ला के कहते कि ये एन जना के वक्त पकड़ी गई है ये सुबह का वक्त था और अगर आप पढ़ें योना की किन्जील उसका आठवां बाब उसकी पहली दूसरी आयत तो आपको पता चलेगा कि ये सुबह सवेरे औरत को हैकल में लाया गया अब यसुम ने उस औरत का फ़ैसला किया और जब फैसला कर लिया तो यसुम दोबारा लोगों से मुखातिब हुए और यसुम ने उनसे कलाम करना शुरू किया सुबह के वक्त जब यसुम ने तालीम दी तो बहुत सारे लोग यसुमसी पर ईमान ले आए लेकिन कुछ लोगों ने यसुमसी के कलाम की यसुमसी के फैसले की मुखालफत की ठीक है और जिन्होंने यसुमसी के कलाम को रद्द किया उनके बारे में यसुमसी ने यह लफ्स बोले तुम अपने बाप इबलीस से हो यहां पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं जिस शख्स के लिए आप बड़ी बेताबी से दुआ करते हैं या चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए बदल जाए और आप जैसे जैसे जितना जितना चाहते हैं आप महसूस करते हैं कि कोई तब्दील नहीं हो रहा बल्कि ज़्यादा आपको दुख दिए जा रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं और ये लफ्स बोलना शुरू कर देते हैं कि ये कभी भी तब्दील नहीं होगा लेकिन याद रखना मैं अर्षा बाईस साल से ख़दत में हूँ और मैं खुदा उनके फजल से कह सकता हूँ मैंने एक बंदे के बारे में कभी ये लफ्स नहीं बोले कि ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपको नहीं पता सारी ज़िंदगी डाका मारने वाला शख़्स सलीब पर जब मरने के करीब था तो यसुसी ने उससे कहा तो आज ही मेरे साथ दोस्त में, में होगा आप नहीं जानते कि कोई आखिरी सांसों में भी जाके बदल जाए सो खुदा के ये डिज़ायर है कि बंदे तब्दील हों लेकिन जब वक्ती तौर तो पर हमें नज़र आता कि यह तब्दील नहीं हो रहा है तो उसकी वजह ये है सुमसी ने हमारा जहन खोला हमें सिखाया कि उसकी तब्दीली की एक वजह है वो खुद से तब्दील होना चाहता है उसके अंदर एहसास भी आता है लेकिन एक पावर है जो उसको तब्दील नहीं होने देती क्योंकि लिखा है तुम अपने बाप इबलीस से हो जिन्होंने यसुम उसी को रद्द किया जिन्होंने यसुम उसी के कलाम को रद्द किया जिन्होंने उसके अहकाम की पैरवी नहीं की सुमसी ने उनको कहा कि वो शैतान के बच्चे हैं अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि आ शैतान मैरिड है उसकी शादी है उसके बच्चे कैसे हो गए क्योंकि युहना किन्जी ने उसके पहले बाब में लिखा है कि जितने लोगों ने यसुमसी को कबूल किया यसुमसी ने उनको खुदा के बेटे खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा अब खुदा की भी शादी नहीं हुई ठीक है लेकिन जितने यसुमसी पर ही लाते हैं सुम उनको अपने बराबर जैसे यसुम खुदा का बेटा है ऐसे यसुम सी उन लोगों को अपने बराबर ले आता है ताकि वो भी खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं इसी तरह से जो शैतान की पैरवी करता है जो शैतान के नाम को जलाल देता है उसके नाम को ऊंचा करता है यसुमसी ने कहा वो शैतान का बच्चा है जिसकी हम तब्दीली चाह रहे हैं कभी आपने सोचा अपने जहन में कि वो चेंज क्यों नहीं हो रहा शतान ने जो उसके साथ लिंक जोड़ा हुआ है वो बच्चों का और माँ बाप का लिंक उसने जोड़ा हुआ है और आपको पता है बुरे से बुरा शख्स भी अपने बच्चे जल्दी से देने की कोशिश नहीं करता क्योंकि आपको पता है मसीह ने भी कहा था कि बुरे माँ बाप भी अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं जैसे यसुमसी ने कहा तुम तुम्हारा बेटा अगर मछली मांगे तो क्या तुम तो उसे सांप दोगे इसका मतलब है कि बुरे होकर गुनाहगार होकर खुदा से दूर होकर इतनी विजडम रखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं इसका मतलब यह है हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है। अब सोचिए ज़रा जिन लोगों को शैतान ने अपने बच्चे बनाया हुआ है क्या शैतान जल्दी से बंदा दे देगा जिसके लिए आप बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं कि ये बंदा बदल जाए अच्छा ये मेरा बेटा ये जल्दी उठे जल्दी काम पे जाए इसमें से सुस्ती निकल जाए ठीक है ये रात गए तक मोबाइल यूज ना करे हैं आप अपने बच्चों की बैड हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहे क्यों यस्सुसी ने कहा क्योंकि जो लोग यस्सू के कलाम को नहीं सुनते कलाम को रद्द करते हैं उनका और शतान का जो लिंक जो रिश्ता आपस में जुड़ चुका है वो मां बाप का और बच्चों का है शतान ने उनको अपने बच्चे बनाकर रखा हुआ है और जब किसी भी मां और बाप से बच्चा छीना जाए या छीनने की कोशिश की जाए तो आपको पता है बच्चों को माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत दिखाई जाए तो बच्चा पीछे आता है कभी आपने ये सुना देखा कि कुछ लोग जो हैं वो बच्चों को चीज़ें दिखा के खिला के अपने पीछे ले जाते हैं वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम बड़ी मोहब्बत आपसे कर रहे हैं आप तब तक शैतान की गोद से बंदा नहीं ले सकते जब तक आप उससे ज़्यादा मोहब्बत ना करें एक गुनाहगार को उस तरह से मोहब्बत ना करें जिस तरह से खुदा ने की है क्योंकि बाइबल में लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी खुदा जैसी मोहब्बत अपने अंदर लाएं ताकि आप शतान की कैद से शैतान के बच्चों को छुड़ा सकें फिर वो छूट कर खुदा की तरफ आएंगे लेकिन आपकी टीचिंग आपकी प्रीचिंग आपकी तसलियाँ आपके लफ्स बहुत कुछ जो है ये नाकाफ़ी है जब तक आपके अंदर वो खुदा जैसी मोहब्बत ना आए क्योंकि यसुमसी ने कहा जो मेरा कलाम नहीं सुनते वो शैतान के बच्चे हैं इसलिए जो नहीं तब्दील हो रहे हमारे जहन में यह बात रहे कि एक पावर है जो उसको किडनैप करके अपने कंट्रोल में रखती है और इसलिए वो आपकी बात सुनने से कासे रहता है एक और बात ये सुमसी ने बताई मरकज की जील उसका तीसरा बाब और उसकी सताईसवीं और अट्ठाईसवीं आयत में लिखा है बल्कि मैं सताईसवीं आयत पढ़ता हूँ लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुस कर उसके सबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले तब उसका घर लूट लेगा यहां पर भी यसुमसी ने कहा अगर कोई किसी का घर लूटना चाहता है तो पहले क्या करेगा पहले जाके जोरावर को बांधेगा यानी घर के मालिक को बांधेगा जब तक वो बांधेगा नहीं तब तक उसका घर नहीं लूट सकता इस साथ में जोरावर से मुराद यसुम सु ने शैतान के बारे में बताया ठीक है थीके? आप मेरी बातें सुन रहे हैं इसका मतलब आपकी बीवी आपका शोहर आपके बच्चे आपके मोहल्लेदार आपके हमसाए चर्च में आपको तंग करने वाले लोग शैतान ने जोर आवर होकर उनको अपने साथ बांधा हुआ है अपने घर में बांधा हुआ है और यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तू किसी के घर में जाएगा पहले तूने घर वाले को बांधना है फिर उसका माल ले सकता है ठीक है आप अपने बेटे की वजह से परेशान है वो नशा करता है आप चाहते हैं कि वो छूट जाए लेकिन आपको ये याद रहे उसको जोरावर ने बांधा हुआ है और सिंह ने कहा तुझे बंदा छुड़ाने के लिए पहले जोरावर बांधना है ठीक है मेरे जीजो अपने बच्चों पे नालिश ना करें उनको सुबह और रात के वक्त गालियां ना दें बल्कि उनके जो इब्लिश की कुत है उसके साथ लड़ना सीखें उसको बांधना सीखें सुमसी ने तो हमें बड़ा इख्तियार दिया है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा गया है बल्कि जो उसका सही तर्जमा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा हुआ है पहले से ही बंधा हुआ और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर से खुला हुआ है हमारे पास तो बड़ा इख्तियार है लेकिन मसीह ने हमें सिखाया कि जिन लोगों को आपने छुड़ाना है वो जोरावर के घर बंधे हुए हैं आपने पहले जोरावर को बांधना है फिर वहाँ से बंदा उठाना आपने ठीक है दो बातें मैंने बताई कि जो लोग तब्दील नहीं हो रहे शैतान ने उनको अपने बच्चे बना के रखा हुआ है और दूसरे नंबर पे उसने जोरावर बन के अपने घर में किडनैप किया हुआ उनको अपने गुलाम बना के रखा हुआ है और तीसरी बात मैं अमाल की किताब उसके छब्बीसवें बाब में से पढ़ता हूँ यस्सु ने पालूस को ये बात बताई थी जब पालू सरसूल एक अदालत में एक गवाही दे रहा है तो उसने बताया कि जब मैं की राह पर जा रहा था तो मसीह ने मुझे कहा कि तूने मुनादी करनी है ठीक है जिस यस्सु की तू मुखालफत करता है उसी यस्सु की मुनादी करनी और यस्सु के वो लफ्स सुनिए जो मसीह ने पालू सरसूल को बताए कि तूने करना क्या है और मैं अमाल की किताब उसका छब्बीसवा बाब और उसकी सतरवीं और अठारहवीं आयत पढ़ देता हूँ लिखा है और मैं तुझे स... उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएँ और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुकदसों में शरीक होकर मरास पाए मेरेजीजो यसुमसी ने पालूस को जो पैगाम दिया पैगाम ये था कि मैं तुझे इसलिए भेजता हूं मकसद सुनिए इसलिए भेजता हूं नंबर एक तू उनकी आंखें खोल दे यसुम की ख्वाहिश सुनिए यसुम खुद कह रहे हैं कि पालूस साउल मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ लोगों के पास तो उनकी आंखें खोल दे इसका मतलब है शैतान ने ना सिर्फ लोगों को अपने बच्चे बना के रखा हुआ है ना सिर्फ उसने अपने घर में बांध के रखा हुआ है बल्के वो इस इस कदर कदर बाप बन जाता है, जुल्म करता है करता कि उसने उनकी आंखें बंद कर दी हैं। और यसुम सी रसूल को क्या कह रहा है तुझे मैं इसलिए भेजता हूं ताकि तू उनकी आंखें खोल दे ठीक है और यसुम सि ने सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि जाके चंदे इकट्ठे करें और दा यकियाँ इकट्ठी करें उनके गम और ख़ुशी में शरीक हो जाए तो बस बल्ले बल्ले के हम योर तो फैमिली पास्टर बस यही काफ़ी नहीं है बल्कि यसुम उसी ने यह कहा कि तू उनकी आंखें खोल दे नंबर दो अंधेरे से रोशनी की तरफ ला इसका मतलब लोग अंधेरे में हैं तूने अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना है और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात यसुम ने पालूस को बताई शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ उनको लाना है पहली बात मैंने बताई जो लोग खुदा से दूर हैं वो शैतान के बच्चे हैं फिर मैंने बताया शैतान ने उनको जोरावर बनकर अपने घर में बांधा हुआ है और नंबर तीन उनकी आंखें बंद करके अपने इख्तियार में रखा हुआ है और यशोसी ने रसूल को बताया क्या है कि मैं तुझे मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ तू उनकी आंखें खोले उनको अंधेरे से उठाए और रोशनी में लाए और फिर तूने एक और काम करना है कि शैतान के इख्तियार से यह बड़ी जबरदस्त बात है इसका मतलब है जिसकी आप तब्दीली चाह रहे हैं और वह तब्दील हो नहीं रहा आपको ये जानने की जरूरत है कि उसके पीछे शैतान का इख्तियार है ठीक है शैतान ने उसको अपने कंट्रोल में किया हुआ है उसकी आंखें बंद कर दी हैं ताकि वो देखता हुआ भी ना देखे उसको समझना आए मैं बहुत सारे ऐसे वालदेन को जानता हूं जो सुबह सवेरे भी अपने बच्चों को गालियां देते हैं रात को सोने से पहले भी अपने बच्चों को गालियां देते हैं वो घर में चलते फिरते भी अपने बच्चों को गालियां देते हैं गुस्से से बोलते हैं ऊंचा ऊंचा बोलते हैं उनके अंदर बात यह है कि हमारे बच्चे तब्दील हो जाएं, हमारी ताबेदारी में आ जाएं। लेकिन मैं आपको सिखाना यह चाह रहा हूँ बच्चे तब्दील हो जाएंगे बच्चे आ जाएंगे लेकिन आपको शतान के हरबों से मंसूबों से वाकिफ होना है। आपने, बच्चों को शतान से प्यार देना है आपने जोरावर को पहले बांधना है और फिर आपने उनकी आंखें खोलनी है आंखें कैसे खोलेंगे जब तक किसी भी बंदे के पास जो किसी की तब्दीली चाहता है यह कलाम की नेमत नहीं है तब तक कोई किसी की आंखें खोल नहीं सकता ठीक है आप अपनी हिकमत से ठीक है आप अपनी अकल से आप अपने लॉजिक से किसी की आंखें नहीं खोल सकते वाहद खुदा का कलाम है जिसके सबब से आप आंखें खोल सकते हैं और पालू रसूल सुल गया और उसने बहुत सारे लोगों को शैतान के इख्तियार से निकाला अगर हम क्रंथियों का दूसरा खत और उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे तो पालूस ने एक और बात हम परवाजे की यहाँ पर लिखा है पलूस ने कहा अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है पहले आंखें अंधी हैं फिर उस शतान ने लिखा अकल अंधी कर दी है ताकि बोलना बिना आए और उनको खड़े होना भी ना आए उनको पहनना भी ना आए उनको खाना पीना भी, भी ना आए अकल भी अंधी कर दी है ताकि बातें भी अजीब करें ड्रेसिंग भी अजीब करें फैशन भी अजीब करें हर तौर से वो गलत काम करेंगे तो अगर हम यसाया की किताब उसका चौदहवा बाप और सातवीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर एक और बात हमें मिलती है यसाया की किताब उसका चौदहवा बाब और उसकी सतरवीं आयत सतरवीं आयत में लिखा है, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियाँ उजाड़ दी जिसने अपने असीरों को आज़ाद ना किया कि घर की तरफ जाएं, मेरे जीज़ो शैतान ने लोगों को अपने बच्चे बनाया हुआ है ये, ये मसीह ने कहा शैतान ने अपने घर में लोगों को बांध के रखा हुआ है शैतान ने लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं उनको अपने इख्तियार में रखा हुआ है पालूस कहता उसने इनकी अक्लों को भी अंधा कर दिया है और यसाया की किताब से मैंने आखिर में ये हवाला पढ़ा कि जिसने जहान को वीरान किया बस्तियाँ उजाड़ डाली उसने अपने असीलों को पकड़ के रखा आजाद ना किया कि वो अपने घर की तरफ जाए इसका मतलब है जिन लोगों को आप खुदा के पास लाना चाहते हैं आप चाहते हैं वो तब्दील हों आपकी ताबेदारी में हो इससे पहले कि आप उनको जीतें उनके खिलाफ जो इब्लिस की कुवतें हैं उनके साथ आपको जंग करना होगी उनको यस्सु के नाम में बांधना होगा शतान से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत अपने अंदर आपने रखनी है ताकि शैतान के कैदी आप छुड़ा सकें मेरे अजीज़ों खुदा का पाखरू आपके साथ है वो आपकी पावर है वो आपकी कुवत है आपका जोर है खुदा के कलाम को अपने अंदर लीजिए और शैतान के कैदी छुड़ाइए ताकि वो शैतान के बच्चे नहीं बल्कि खुदा के बेटे बेटियाँ कहलाएँ खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत आमीन